हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ाया था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाय एएल टेनिसन यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आज हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना बताएंगे। तो हमने जो स्टेंजा पिक किया है वो पहला ही स्टेंजा है एंड स्लोली से स्टार्ट करते हुए द वर्ड तक। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते समय हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या लिखा जाता है कि किस पोएम से इस कविता को स्टेंजा को लिया गया है और कौन इसके कवि हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यानी ये लाइनें फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। अगला पॉइंट आपका आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हमें आपको बताना होता है कि इन्हें नटसेल यानी छोटी सी लाइनों में या दो लाइनों में आपको बताना होता है कि इस स्टेंजा में क्या कहने की कोशिश की गई है। तो देखिए, किंग आर्थर इज़ गोइंग ऑन ए जर्नी विद हिज थ्री क्वींस। कह रहे हैं किंग आर्थर एक यात्रा पर जा रहे हैं अपनी तीन रानियों के साथ। ही टॉक्स टू हिज फेथफुल नाइट बेडीवेयर, वह जो उनका सेनापति है यानी विश्वसनीय सेनापति है बेडीवेयर, उससे बात करते हैं एंड गिव्स हिम सम सजेशंस, और उसे कुछ सुझाव देते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए, किंग आर्थर ट्राइज टू कंसोल द फेथफुल नाइट बेडीवेयर। किंग आर्थर राजा आर्थर को कोशिश करते हैं कंसोल सांत्वना देने की द फेथफुल विश्वसनीय नाइट अपने सेनापति को बेडीवेयर, जिनका नाम बेडीवेयर है, हु इज वेरी सैड, जो बहुत ज़्यादा दुखी है एट द टाइम ऑफ किंग्स फेयरवेल, राजा के जाने पर, यानी जब वो राजा विदा ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और वो तब किंग आर्थर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं, ही एक्सप्लेन्स दैट ओल्ड सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू वन। वो बताते हैं कि जो पुराने नियम है ना, उनकी जगह पर नए नियम आ जाते हैं, इन्हें बदलना ही पड़ता है। ए सिस्टम मे बी वेरी गुड एंड यूजफुल, कोई भी एक रीति रिवाज अच्छा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, बट इट विल स्पॉइल द वर्ल्ड, लेकिन यह संसार को भी खराब कर देगा इफ़ यदि इट इज़ अलाउड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि इसको लंबे समय तक रखा जाएगा तो। गॉड यूजेस डिफरेंट मेथड्स टू कैरी आउट हिज विल। गॉड भगवान यूजेस प्रयोग करता है डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग तरीके, टू कैरी आउट हिज विल, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इस एक्सप्लेनेशन में, यानी जो पहला स्टेंजा हमने पिक किया है, उसमें यही बताने की कोशिश की है आर्थर ने, समझाने की कोशिश की बेडीवेयर को कि जो पुराने नियम हैं वो बदल जाते हैं, नए नियम इनका स्थान ले लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा जो नियम होता है, रीति रिवाज होता है, वो लंबे समय तक रहने पर दुनिया को ख़राब कर सकता है। और बताया कि भगवान अपनी इच्छाओं को बहुत सारे तरीक़ों से पूरा कर लेता है।